देश के अंदर जब 10 साल के अंदर कंप्लीटली फेल है भारतीय जनता पार्टी, ये भ्रष्टाचार के वजह से फेल है। ऑक्सीजन में भ्रष्टाचार करें तो उस किसान के फसल का भी भ्रष्टाचार किया गया, 500,000 के नोट में भ्रष्टाचार किया गया, तो किस चीज़ में ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करें। और सुई से लेके हेलीकॉप्टर एरोप्लेन तक फैक्ट्रीज तैयार किया गया है। आज रोड देखो, पानी की सुविधाएं देखो, नल देखो, करंट देखो, हर जगह जगह पे जो दिस आर ऑल द ऑल फैसिलिटीज कंट्रीज 142 crores प्रेजेंट। आपको परिवार के ऊपर अगर प्रेम रहता, देश के 140 करोड़ जनता के ऊपर अगर प्रेम रहता तो 1 करोड़ जनता COVID-19 में मरती नहीं थी। किसान आंदोलन में 800 से 800 लोग मरते नहीं थे, तो ये बेरोजगारी इतनी आती नहीं थी, नफरत इतनी पैदा होती नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं द स्टीव इंडिया, और इस समय मैं दिल्ली में हूँ और एक साथी मेरे साथ इस समय है। और अभी हाल ही में 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संबोधन था पूरे भारत के लिए, तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भाषण दिया था और लगातार लोग जो है अब हमले कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जो मोदी जी ने बोला अभी परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति, तो आपको क्या लगता है? देखिए, और देश का वातावरण देखिए, परिवारवाद किसको उद्देशित बोल रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोल रहे हैं, या नहीं तो अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, या नहीं तो राजनाथ सिंह को बोल रहे हैं, या नहीं तो अमित शाह को बोल रहे हैं होम मिनिस्टर, या नहीं तो एक्स राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर को बोल रहे हैं, ये किसको बोल रहे हैं? ये पहले आपके मकान का, आपका मकान पहले ठीक कर लेना है। परिवारवाद आप हो या हम हैं, और परिवारवाद में अगर हमको इंडिकेट कर रहे, परिवारवाद में आज देश किस स्टेज पे था जब कांग्रेस 2004 से लेके 2014 तक देश की हालत कैसी थी, देश की इकोनॉमी कैसी थी? तो देश भ्रष्टाचारी से मुक्त था, यानी तो भ्रष्टाचार में लगा हुआ था, भ्रष्टाचार इन व्यार इन द भ्रष्टाचार। तो इतना समझना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को और 303 पार्लियामेंटेरियन को। आज 2014 से लेके आज तक इस हिंदुस्तान में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं? आप 142 crores लोगों को बोल रहे परिवार के लोग, इस परिवार के लोगों को आप क्या करें? तो कितना उस लोगों के साथ, 142 crores लोगों के साथ कैसा भ्रष्टाचार करें? तो आप खुद भ्रष्टाचार करें। आज अगर देखा गया 144,000 crore रुपीस का भ्रष्टाचार हुआ, किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो वो 44 crore रुपीस का भ्रष्टाचार हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 26,000 crores ऑफ रुपीस हुआ LIC के पॉलिसी होल्डर का, शेयरों का भ्रष्टाचार हुआ। तो ये किसका भ्रष्टाचार है? देश के प्रधानमंत्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट भ्रष्टाचार, और राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल बड़ी बात भ्रष्टाचार। तो राहुल गांधी इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस भ्रष्टाचार। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। राहुल गांधी का नाम कहाँ लिया आप? लगातार राहुल गांधी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो नहीं बोला, उन्होंने बोला परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है। परिवारवाद हम कांग्रेस के गांधी परिवार को उद्देशित कर बोल रहे हैं, गांधी परिवार को निशाना लगा रहे हैं। तो गांधी परिवार ने सर, और भी तमाम नॉट कांग्रेस पार्टी, और भी तमाम पार्टियां हैं जिनमें परिवारवाद चल रहा है, तो आप तो बार बार कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं। तो तमाम पार्टी वाले कैसा, देखो आज अखिलेश यादव भी बोलो, तेजस्वी यादव भी बोलो, या न तो उद्धव ठाकरे भी बोलो, या वर किसी को भी बोलो, आज वो क्या स्टेज पे है, वो हाउ दे आर, उनकी इकोनॉमी कैसी जाती है? इफ़ दे आर रूलिंग देयर स्टेट, तो वो 100% दे गेन वेरी मच वेल्थ, दे लिव उनके लोग जो राज, दे लिव वेरी हैप्पीली। तो उनके बारे में नहीं है, उनका जो निशाना है गांधी परिवार के ऊपर है। लेकिन इतना सोचना चाहिए, देश के अंदर जब 10 साल के अंदर कंप्लीटली फेल है भारतीय जनता पार्टी, ये भ्रष्टाचार के वजह से फेल है। ऑक्सीजन में भ्रष्टाचार करें,
कोविड 19 को प्रिवेंट भी कर सकते, लेकिन कोविड 19 का कंटेमिनेशन होके जो है इस कोविड 19 का रीज़न लगा के इसमें भ्रष्टाचार स्टार्ट करें और किसान आंदोलन में किसानों का भ्रष्टाचार करें। जो फसल किसान की आई तो उस किसान के फसल का भी भ्रष्टाचार किया गया, 500,000 के नोट में भ्रष्टाचार किया गया, तो किस चीज़ में ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करें। सो अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है वो किसका पैसा था पूछे राहुल गांधी जी ने, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। तो ऐसे कांग्रेस में कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखेगे, तो इतना समझना चाहिए। भ्रष्टाचार का दौर ही चला था, तमाम कलमाड़ी है, तमाम सुरेश कलमाड़ी है, कॉमनवेल्थ बोला गया था 400 करोड़ का जो है घोटाला, इतने बड़े बड़े आरोप लगे थे, तभी तो कांग्रेस पार्टी गई। सर देखो, कलमाड़ी का नाम ले रहे, मनमोहन सिंह कोल घोटाला बोले, और मनमोहन सिंह जो है काला कोट पहन ले घोटाला, मनमोहन सिंह काला कोट पहन ले के बाथरूम में स्नान करते हैं, ऐसे भी बातें बोले। लेकिन देश की इकोनॉमी तब क्या थी, देश कैसा उन्नति पे जा रहा था? आपके हिसाब से इतिहास में कांग्रेस पार्टी का नहीं, देश के इतिहास में और सुई से लेके हेलीकॉप्टर एरोप्लेन तक फैक्ट्रीज तैयार किया गया है। आज रोड देखो, पानी की सुविधाएं देखो, नल देखो, करंट देखो, हर जगह जगह पे जो दिस आर ऑल द ऑल फैसिलिटीज कंट्रीज 142 करोड़ प्रेजेंट। सो ऑल द पीपल्स आर यूजिंग द, जो कांग्रेस ने जो अमल में लाए हैं वो सारे चीज़ें पब्लिक्स हिंदुस्तान की जनता अमल में लाने के बाद में हिंदुस्तान की जनता यूज़ में ला रही। लेकिन आपके काले के कानून आप अमल में लाए हैं तो वो कितने साल तक देश का किसान इस्तेमाल करा है? तो ये नाम के वास्ते काले कानून लाए हैं, लेकिन किसान की बदौलत लूटे हैं, किसान की फसल लूटे हैं। ये आपसे बड़ा करप्टेड मैन आज इस हिंदुस्तान में नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ, आप पहले करप्शन की बात कभी मत करो, परिवार के ऊपर ब्लेम मत लगाओ करप्शन के ऊपर। और जो है दूसरी बात ये है कि वो करप्शन प्लस परिवारवाद दो भी आपको इट इज़ नॉट सुटेबल। ये कभी भी आप ये सोच के रहो कि करप्शन किसने करा, देश की इकोनॉमी क्या थी, अभी क्या हो गई, कोविड 19 में आप 0.1 इकोनॉमी, 2.3, 3.3 ऐसा हो इकोनॉमी आके बैठा है। तो नोटबंदी पे क्या इकोनॉमी थी, बिजनेस पूरे ठप हो चुके थे, सो कम्प्लीटली वो कोलैप्स हो गया था। कोविड 19 के पीरियड में देश आज टोटली कोलैप्स, देश 17 साल पीछे चले गया, इस ढंग से आप ही बोलें। तो करप्शन किसने करा, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के लोगों को पता है हिंदुस्तान में करप्शन किसने करा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऐसा कंप्लीट लॉकडाउन आज तक नहीं देखा गया हिंदुस्तान में, तो कंप्लीट लॉकडाउन भी अपने को देखा गया, 1 करोड़ जनता मर चुकी है। तो आप परिवार, आप इस हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता मेरे परिवार बोलते हो, ये भी रॉन्ग बोलते हो। आपको परिवार के ऊपर अगर प्रेम रहता, देश के 140 करोड़ जनता के ऊपर अगर प्रेम रहता, तो 1 करोड़ जनता कोविड 19 में मरती नहीं थी। किसान आंदोलन में 800 से 700 से 800 लोग मरते नहीं थे, तो ये बेरोजगारी इतनी आती नहीं थी, नफरत इतनी पैदा होती नहीं थी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे तो कितनी नफरत आपकी थी, तो कितनी नफरत पैदा करे थे, बेरोजगार कितने थे, करप्शन कितना करे थे, ईच एंड एवरी राज्य में अडानी 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 का नाम ले रहे थे। तो वो अंबानी का नाम भी लिए, राफेल में वो करप्शन किसने किया, ये तो दे आर बिलोंग्स टू द नरेंद्र मोदी। तो ये सब आपका ही कारनामा है करप्शन में, लेकिन कांग्रेस का कोई कारनामा करप्शन में नहीं है।